हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अगर मैं सच बताती हूं कि हुजूर गारे शौर में है तो मियार यह है कि यह वफा के खिलाफ है, और अगर मैं झूठ बोलती हूं तो मेरा दीन मुझे इजाजत नहीं देता। जनाब अस्मा खड़ी है चौक में, जवानों यह है जवानी, यह है वकार कि इंसान अपने किरदार पर दाग न लगने दे और वो मियार के साथ मैदान में खड़ा रहे। फरमाती है दर्जनों लोग थे, मेरे चेहरे पे नकाब था। अबू जाल ने फिर पूछा बताती क्यों नहीं, कहते एक मिनट था फैसला करने के लिए, फिर मैंने फैसला किया इश्क भी बचाना है और दीन भी बचाना है। फरमाती है मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू जाल सुन, फिर अगर तू सवाल से बाज नहीं आता तो सुन, मैं सिद्दीक की बेटी हूं, झूठ नहीं बोल सकती, मुझे खबर है वो दोनों कहां हैं पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। जा जितनी ताकत और जुर्रत है वो लगा ले पर मैं तुझे बताऊंगी नहीं, मैं तुझे खबर। इकबाल बोले, कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरारे शहनशाही। इतना बड़ा जुमला कह दिया, ये वही है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे। कहा मुझे पता है कहां है पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। अब इतने बड़े बाजार में इतने बड़े चौधरी को, इतने बड़े सेठ को लाजवाब नहीं बताती मैं, तो बुजदिल लोग होते हैं, फिर जब दलील खत्म होती है तो झगड़ा करते हैं। अबू जाल ने एक थप्पड़ मारा, जनाब अस्मा कहती हैं ये सरदार का घर था, कभी किसी की ताकत नहीं हुई थी पर मैं ये थप्पड़ भी मैंने नबी के नाम पे खाया। फरमाती है मैं जमीन पे गिरी, मेरे कान में बाली थी, वो टकराई एक पत्थर से, खून बहने लगा, लोगों ने अबू जाल को पकड़ा, हया कर बच्चियों के और औरतों के मुंह लगता है उसे ले गए। फरमाती है मैं उसी तरह उठी, उठ के मैंने चेहरे पर फिर से कपड़ा लपेटा, खून को छुपाया और फिर रोटी पकाने लगी। फरमाती है उसी तरह खाना बनाया, फिर कई दफे निकल निकल के देखा, जब कोई राहों में ना रहा, फरमाती है सुनसान रस्तों में मैं गारे सौर की तरफ बढ़ी, और जब मैं गारे सौर में खाना लेके गई तो चेहरा छुपा हुआ था। बाप तो बाप होता है ना, बेटी तो रात को टेलीफोन पे सही बात ना करे, सही बात ना करे तो बाप घर आके कहता है नींद नहीं आ रही, लगता है बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ है, और बेटी मुंह छुपा के गार में पहुंची। तो जनाब सिद्दीक अकबर परेशान हुए, बेटे क्या बात है, मुंह क्यों छुपाया है बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं अब्बा जी, ये देखें आज क्या पकाया। कहा नहीं पुत्र बता, मामला क्या है, क्या बात है। जब दो तीन दफा जनाब सिद्दीक अकबर ने तशवीश किस आलम में पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीम फरमाने लगे अस्मा बताती क्यों नहीं, मामला क्या है। तो फिर जनाब अस्मा रो पड़ी, एक बारी मेरी अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा, हर वेले आ होजारी दा। जनाब अस्मा रो पड़ी, कह खोलिए कपड़ा बताइए। फरमाती है फिर से कपड़ा खोला, खून फिर जारी होने लगा। अर्द की या रसूल अल्लाह, आज अजीब दराहे पे खड़ी हो गई थी, इश्क भी था और दीन भी था, अगर मैं बताती थी कि आप कहां हैं तो इश्क नहीं बचता था, और अगर नहीं बताती थी तो झूठ था, फिर मुझे मैदान में डट के सच बोलना पड़ा। आज मैंने सच के लिए ये मार खाई है, सच के लिए, सच के लिए थप्पड़ खाया है, सच के लिए जमीन पे गिरी हूं, इसलिए कि मैं सादक और अमीन नबी का कलमा पढ़ने वाली हूं। मेरे महबूब करीम ने जब ये बात सुनी तो हुजूर की आंखों में आंसू आए, हजरत सिद्दीक अकबर भी रोए। अब हुजूर ने दुआ दी, सच्चों को दुआ दी, सच्चों को हाथ उठा के दुआ दी और कहा ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा, मैं राजी। ओ भाई, अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें।